चलो आज हम लोग पढ़ रहे हैं रेनन मार्टिन की एक्सरसाइज नंबर 27। इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 27 रेनन मार्टिन। इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, वी स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज, यहां से हमें ऑप्शन दिया हुआ है दे या देम भरना है, यानी प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस दिया हुआ है और ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ है। तो यहां पर देखो कैसे भरना, हमें यहां लिखा हुआ है वी स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज, यहां पे आएगा देम, यहां पे आएगा देम। व्हाई इट विल कम देम, देखो यहां पे हम लोग समझते हैं इसका पार्शियल स्पीच कैसे लिखा हुआ। देखो यहां वी हमारा क्या सब्जेक्ट है, वी हमारा सब्जेक्ट है और क्या है पर्सन प्रोनाउन, पर्सन प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन और प्लूरल है सब्जेक्टिव केस में है। स्कोर्ड क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है। अब बताना इसका एज का यहां पार्शियल स्पीच क्या हो सकता है, एज मेनी गोल्स एज देम। देखो ना स्कोर्ड होगा, स्कोर्ड व्हाट, यहां पे स्कोर्ड का ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया नाउन, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और मेनी क्या है एडजेक्टिव है, मेनी है एडजेक्टिव ऑफ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है और एज इसके लिए आया हुआ है, ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब, ये इसके लिए आया हुआ है और ये इसके लिए आया हुआ है। और एज यहां पर प्रीपोजिशन है, एज प्रीपोजिशन है और देम क्या है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमें प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए तो वी विल यूज देम ऑब्जेक्टिव केस ऑफ दे। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, वी स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज देम। यहां पर लिखा हुआ रामा एंड वर प्रेजेंट, वर प्रेजेंट, तो यहां पर देखो हमारा क्या हुआ है सब्जेक्ट है, यहां में सब्जेक्ट बनना रामा और क्योंकि ये कन्वेंशन एंड है, ये कन्वेंशन है सब्जेक्टिव, ये रामा क्या सब्जेक्ट है, यहां पर दो सब्जेक्ट को ऐड करने के लिए सब्जेक्ट ही चाहिए, ये सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को नहीं ऐड कर सकता, वैसे भी वर्ब से पहले लिखा हुआ है तो हमें यहां पर सब्जेक्ट चाहिए रामा एंड आई, तो दो हो गया सब्जेक्ट हमारा क्या होगा एंड से जुड़ के क्या होगा प्लूरल हो गया, इसीलिए हमारा क्या लग गया वर्ब, ये वर्ब है बी वर्ब है, हमारी कौन सी है मेन वर्ब है लेकिन ये बी की वर्ब है, बी की वर्ब होती है इज एम आर वाज वर, और यहां प्रेजेंट क्या है प्रेजेंट एडजेक्टिव है, यहां पर कोई वर्ब नहीं है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो पैसिव हो जाता है, लेकिन यहां पर क्या है प्रेजेंट है, तो रामा एंड आई वर प्रेजेंट, प्रेजेंट यहां पे एडजेक्टिव है। तो इसमें देखो है कैन यू सिंग एज वेल एज, क्या आएगा यहां पर देम, यहां पर क्या आएगा देम, कैन यू सिंग एज वेल एज देम। देखो यहां पर क्या है ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछ रहा है कैन यहां पर क्या है मोडाल है, हेल्पिंग वर्ब है, क्या है मोडाल है और क्या है हेल्पिंग वर्ब, यू यहां पर सब्जेक्ट है, सिंग यहां पर मेन वर्ब है, और यहां तो अगर इसको हटा दिया जाए कैन यू सिंग वेल एज को हटा के पढ़ो क्या होगा कैन यू सिंग वेल, वेल क्या यहां पर एडवर्ब है, क्या है ये हमारी एडवर्ब है, और एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए क्या हम एडवर्ब यूज कर सकते हैं कि नहीं, यहां पे ये भी एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ ये भी हमारी एडवर्ब ऑफ डिग्री है, और यहां पर एज प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है देम, इस तरह से है। और यहां पर देखो नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है लेट यू एंड ट्राई व्हाट वी कैन डू। देखो लेट हमारी क्या है ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ये क्या है इंपरेटिव सेंटेंस है, तो लेट यहां पर मेन वर्ब है, लेट हमारी क्या है मेन वर्ब है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, लेट का ऑब्जेक्ट क्या हो गया यू, ये क्या है ऑब्जेक्ट है और ये कंजंक्शन है, ये क्या हमारा है तो कंजंक्शन है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में लेट का क्या हो गया लेट हिम गो, वैसे बोलते हो ना लेट हिम गो लेट मी कम, तो यू इसका ऑब्जेक्ट है लेट का, और ये जो कंजंक्शन लगा था ये लेट का दो ऑब्जेक्ट हैं, तो यहां पर क्या आएगा मी आएगा, और आपने इसको क्या बताया था आई बोला था, तो लेट का ऑब्जेक्ट है तो ये यू ऑब्जेक्ट है और दो ऑब्जेक्ट लेना कंजंक्शन लग गया लेट यू एंड मी, लेट यू एंड मी, ये ट्राई देखो हुआ है ट्राई है ये हमारा इन्फिनिटिव है, क्या है इन्फिनिटिव है और ये बेयर इन्फिनिटी है, एक्चुअली यहां पर टू क्या है अंडरस्टूड है, लेट यू एंड मी
टू ट्राई है, लेकिन यहाँ की लेट के बाद जो हमारा आता है इन्फिनिटिव आता है, क्या होता है? बेयर इन्फिनिटिव आता है। सिंपल इन्फिनिटिव है क्योंकि ये वर्ब से बना है, तो ये भी ऑब्जेक्ट ले सकता है, इन्फिनिटिव भी ऑब्जेक्ट ले सकता है। ट्राई व्हाट वी कैन डू, व्हाट यहाँ पर क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। व्हाट हमारा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट कब यूज करते हैं? जब हमारा एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट क्या हो? दिया ही ना हो या अंडरस्टूड हो। क्या हो? तो वी यहां देखो, इसका क्या है? सब्जेक्ट हो गया। ये कैन क्या है? मोडाल है, हेल्पिंग वर्ब। और डू क्या है? मेन वर्ब है। इसी डू का ऑब्जेक्ट ही है। डू का ऑब्जेक्ट क्या है? ये व्हाट, डू का ऑब्जेक्ट है। इसको इस तरह से लेट यू एंड मी ट्राई, ट्राई समथिंग, समथिंग विच 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 यू वी कैन डू। तो ट्राई का ऑब्जेक्ट हो जाता समथिंग, और विच जो आता है ना वो इसका ऑब्जेक्ट हो जाता वी कैन डू। ये ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। व्हाट क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में है। इस तरह से लिखा हुआ है, व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन है और ये डू का ऑब्जेक्ट है, और ये दो काम कर रहा है, ये कंजंक्शन का भी काम कर रहा है और क्या कर रहा है? प्रोनाउन का भी काम कर रहा है, और डू वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है। यहां पर देखो, वेट फॉर हरी। अब कह रहा वेट फॉर, बताओ इसमें क्या आएगा? वेट, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है। ये क्या है? वर्ब से शुरू होता है हमेशा, मेन वर्ब से शुरू हुआ। वेट फॉर क्या होगा? ये एक साथ होगा, फ्रेजल वर्ब जैसा काम कर रहा। वेट फॉर हरी, हरी क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट है। हरी क्या है? फाइव प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। एंड क्या आएगा? मी, क्योंकि ये हरी क्या ऑब्जेक्टिव केस में है। क्यों ऑब्जेक्टिव केस में है? फॉर का ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो या वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, चाहे नाउन हो या प्रोनाउन, किस में आएंगे? ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। तो क्या हो जाएगा? वेट फॉर हरी एंड मी। आई नहीं आ सकता यहां पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? देखो यहां पर यू नो दैट, यू नो, यू नो सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। यू नो व्हाट दैट, ये दैट ऑब्जेक्ट है। यू नो दैट, अगर यहां इतना ही बोल दिया जाए तो भी सही है। आप उसको जानते हो, आप वह चीज जानते हो, आप वह जानते हो, यू नो दैट। अब सेंटेंस को आगे ले गया है, अगर इसको मैं एज को हटा दूं, क्या कर दूं? एज को ना पढ़ा जाए, क्या होगा? यू नो दैट वेल, आप वह अच्छी तरह जानते हो। इसका क्या मतलब हो जाएगा? आप उसको अच्छी तरह जानते हो, आप इस चीज को अच्छी तरह से जानते हो। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है यू नो दैट वेल के लिए एज आ गया, तो एज किसके लिए? ये वेल तो क्या होता है? ये हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। यू नो वेल, यू नो दैट वेल क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ मैनर। और एज क्या हो जाएगा? इसके लिए मॉडिफाई कर दिया हो जाएगा एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब ऑफ क्या हो जाएगी? डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एज यहां प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आई नहीं होगा, क्या होगा? मी। जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो एज वेल रह जाता है, और अगर कोई निगेटिव होता तो सो, सो और सो आ जाता है। जब पॉजिटिव होता है तो एज आ जाता है, और निगेटिव होता है तो क्या होता है? सो आ जाता है। तभी हमारा सब पॉजिटिव ही चल रहा है यहां पर। यहां देखो, इट वाज, यहां डमी सब्जेक्ट है। इट हमारा क्या है यहां पर? इट हमारा डमी सब्जेक्ट है, और ये बी वर्ब है। तो जब यहां पर इसके बाद बताए ना, ये हमारा बी वर्ब है, यहां पर क्या है? मेन वर्ब का काम कर रहा है। इट हमारा क्या हो रहा है यहां पर? ये भी सब्जेक्ट है। जब इसके टाइम सब्जेक्टिव केस है, इसके बाद भी बी वर्ब के बाद भी क्या होता है? सब्जेक्टिव केस ही लगता है। इट वाज आई, इट वाज यू, इट वाज दे, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, वाज ही लगेगा। ये नहीं होगा कि अगर यहाँ पे इट वाज यू होगा तभी वाज ही होगा, ये एम्फेसाइज करने के लिए होता है। यह तुम ही थे, इट वाज यहाँ पर, क्योंकि इट वाज क्या है? आई होगा। इट वाज आई, ये मैं ही था, इसका मतलब क्या? ये मैं ही था। दैट गेव यू द अलार्म, या दैट किसके लिए आया भाई? दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, दैट इज आवर, दैट के हु भी यूज कर सकते हो, कि पर्सन के लिए हु गेव यू द अलार्म। तो दैट का एंटीसीडेंट क्या हो गया? आई, आई एंटीसीडेंट ऑफ दैट, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होगा? जब प्रोनाउन आएगा तो यह सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा? ये गेव वर्ब का है ना, गेव, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, इसका सब्जेक्ट हो गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ पर काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है।
दैट गेव होम, ये ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. हु गेव ऐसे लिख सकते हैं ना, दैट गेव होम यू व्हाट द अलार्म, ये अलार्म हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अलार्म इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड यू इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ये गेव हमारी क्या, डाई ट्रांजिटिव वर्ब है. अब यहां देखो, बिटवीन यू एंड क्या होगा, मी आएगा. क्यों आएगा मी, क्योंकि बिटवीन हमारा जो है ना, ये हमारा प्रीपोजिशन है. क्या है ये, हमारा प्रीपोजिशन है. और प्रीपोजिशन का ये यू का ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा ना, क्योंकि यू है तो यू का पता नहीं लगता, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी वही होता है और सब्जेक्टिव केस भी. लेकिन यहां जब एंड है तो एंड का क्या होगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी. अगर हम आई लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो दोनों ऑब्जेक्ट हैं, इसके दो दो ऑब्जेक्ट हैं, तो एंड से जुड़े हुए हैं. बिटवीन यू एंड मी, कह रहा कि तुम्हारे और मेरे बीच में, इसका मतलब क्या है, तुम्हारे और मेरे बीच में. आई डू नॉट बिलीव हिम, भाई तुम विश्वास करते होगे लेकिन मैं उसमें, हम दोनों में, हिंदी में बोलते हैं हम दोनों में से मैं उस पर विश्वास नहीं करता, हम दोनों में से मैं उस पर विश्वास नहीं करता. इसका मतलब यही है, हम दोनों में से मैं उस पर विश्वास नहीं करता. तो आई यहां देखो सब्जेक्ट हो गया, डू यहां पर हो गई हेल्पिंग वर्ब, नॉट क्या है एडवर्ब ऑफ निगेशन, एडवर्ब ऑफ. बिलीव क्या मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ये बिलीव होम ये ऑब्जेक्ट हो गया, बिलीव होम. ठीक है, ये हो गए आठ हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए 27 के.